जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के संक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम रत्न धारण करते हैं उसके बाद कुछ समय तक तो उसका असर देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर होना बंद हो जाता है और फिर हम दोष ज्योतिष को देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रत्न का असर कम क्यों हो जाता है और किसी भी रत्न का पूरा असर पाने के लिए हमें उसे किस प्रकार से रिचार्ज करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्योतिष जगत के नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, जब भी हम रत्न धारण करते हैं तो उसे पूर्ण विधि से धारण करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उसका असर कम होने लगता है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि हम रत्न की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। रत्न के पीछे की सतह पर धूल मिट्टी आदि जमा हो जाती है, जिसके कारण रत्न की किरणें हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और रत्न सिर्फ सजने संवरने की चीज बनकर रह जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार हमें जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रत्नों को भी समय के साथ साथ उसके मूल तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि समय समय पर रत्न को उसके मूल तत्व मिलते रहते हैं तो वे अपना पूर्ण प्रभाव देते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, इस अंक में आपको बताया जाएगा कि रत्न को कब और कैसे रिचार्ज करें। दोस्तों, सबसे पहला रत्न है मोती। मोती या इसके उपरत्न मून स्टोन को आप हर शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार या हर पूर्णिमा को गंगा जल से धोएं एवं उसके पीछे की धूल मिट्टी को ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें। उसके बाद कच्चे दूध से मोती की ऊपरी सतह पर हल्के हाथों से उसे 5 से 10 मिनट तक साफ करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसे पुनः धारण करें। दूसरा रत्न है मूंगा। मूंगा या इसके उपरत्न लाल संघ सितारा को आप हर शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार या हर पूर्णिमा को गंगा जल से धोएं एवं उसके पीछे की धूल मिट्टी को ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें। उसके बाद शहद से मूंगा की ऊपरी सतह पर हल्के हाथों से उसे 5 से 10 मिनट तक साफ करें। उसके बाद हनुमान जी का नाम 21 बार लेते हुए उसे पुनः धारण करें। तीसरा रत्न है पन्ना। पन्ना या इसके ऊपर रत्न को आप हर शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार या हर पूर्णिमा को गंगा जल से धोएं एवं उसके पीछे की धूल मिट्टी को ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें। उसके बाद कच्चे दूध से पन्ना की ऊपरी सतह पर हल्के हाथों से उसे 5 से 10 मिनट तक साफ करें। उसके बाद गणेश जी का नाम 21 बार जाप करते हुए उसे पुनः धारण करें। अगला रत्न है पुखराज। पुखराज या इसके उपरत्न टाइगर आई को आप हर शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार या हर पूर्णिमा को गंगा जल से धोएं एवं उसके पीछे की धूल मिट्टी को ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें। उसके बाद कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर पुखराज की ऊपरी सतह पर हल्के हाथों से उसे 5 से 10 मिनट तक साफ करें। उसके बाद विष्णु जी का नाम 21 बार जाप करते हुए उसे पुनः धारण करें। अगला रत्न है हीरा। हीरे या इसके उपरत्न जरकन या ओपल को आप हर शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार या हर पूर्णिमा को गंगा जल से धोएं एवं उसके पीछे की धूल मिट्टी को ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें। उसके बाद दही से हीरे की ऊपरी सतह पर हल्के हाथों से उसे 5 से 10 मिनट तक साफ करें। उसके बाद लक्ष्मी जी का नाम 21 बार जाप करते हुए उसे पुनः धारण करें। अगला रत्न है नीलम। नीलम या इसके उपरत्न लाजवर्त या नीली को आप हर शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार या हर पूर्णिमा को गंगा जल से धोए एवं उसके पीछे की धूल मिट्टी को ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें। उसके बाद तिल के तेल से नीलम की ऊपरी सतह पर हल्के हाथों से उसे 5 से 10 मिनट तक साफ करें। उसके बाद शनिदेव का नाम 21 बार जाप करते हुए उसे पुनः धारण करें। दोस्तों, माणिक्य या इसके उपरत्न तांबड़ा को आप हर शुक्ल पक्ष के पहले रविवार या हर पूर्णिमा को गंगा जल से धोएं एवं उसके पीछे की धूल मिट्टी को ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें। उसके बाद शहद से माणिक्य की ऊपरी सतह पर हल्के हाथों से उसे 5 से 10 मिनट तक साफ करें। उसके बाद सूर्य देव का नाम 21 बार जाप करते हुए उसे पुनः धारण करें। अगला रत्न है गोमेद व लहसुनिया। गोमेद या लहसुनिया केटसाई को आप हर शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार या हर अमावस्या को गंगा जल से धोए एवं उसके पीछे की धूल मिट्टी को ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें। उसके बाद गोमूत्र से रत्न की ऊपरी सतह पर हल्के हाथों से उसे 5 से 10 मिनट तक साफ करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय का नाम
21 बार जाप करते हुए उसे पुनः धारण करें। इस फटिक की या अन्य क्रिस्टल माला, किसी भी प्रकार की क्रिस्टल माला को आप हर शुक्ल पक्ष के पहले रविवार या हर पूर्णिमा को गंगा जल से धोएं एवं धूल मिट्टी को ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें। उसके बाद खड़े नमक के पानी में 1 से 2 घंटे डालकर रखें व पुनः साफ पानी से धोकर ओम नमः शिवाय का नाम 21 बार जाप करते हुए उसे पुनः धारण करें। दोस्तों, हीरे के अलावा कोई सा भी रत्न हो, 5 से 10 साल में उसे बदल देना चाहिए। टूटा हुआ रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए और रत्न हमेशा किसी अच्छे ज्योतिष से कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक में आपको ज्योतिष से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।